हरे कृष्णा। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस शुभ दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है और इस व्रत को करने से कई प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्यों खास है ये एकादशी व्रत? पितृ पक्ष के एकादशी होने के कारण ये एकादशी पितरों के मुक्ति के लिए उत्तम मानी जाती है। पितृपक्ष में मनाई जाने वाली इस एकादशी से पितरों को मुक्ति मिलती है और दूसरे लोक में उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इस व्रत का भक्त क्या है? पुराणों के अनुसार इंदिरा एकादशी व्रत साधक के मृत्यु के बाद ही प्रभावित करता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति सभी पापों से का नाश होता है। इस व्रत का उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है तथा जातक के पितरों का दोष भी समाप्त हो जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में इंदिरा एकादशी के महात्म का वर्णन मिलता है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा फल क्या है? सो कृपा करके मुझे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मती नाम एक नगरी थी, जिसमें इंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था, तब आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। तब राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधिपूर्वक उन्हें आसन और अर्घ दिया तथा उसने मुनि ने बैठकर राजा से पूछा, हे राजन, आपके सारे राज्य कुशलपूर्वक हैं? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में रहता है? देवऋषि नारद की ऐसे बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है और मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सब सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य कर देने वाली मेरे इस वचनों को सुनिए। मैं एक समय ब्रह्मलोक में गया था। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया कि सो मैं तुम्हें कहता हूँ, सुनो। उन्होंने कहा कि पूर्ण जन्म में अनजाने में किए गए पापों के कारण मैं यमलोक में हूँ। सो हे पुत्र, आप यदि आप अश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी करते हो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर राजा कहने लगा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः नदी में जाके स्नान करें और श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान कर फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करें और प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके यज्ञ ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसे सूंघ कर गौ को दे और तथा धूप दूध गंध नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें तथा रात में भगवान के निकट जाग के जागरण करें और इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल भगवान की पूजन करके गरीबों को भोजन कराएं। भाई बंधु अपने पत्नी पुत्रों के साथ मौन होकर शांतिपूर्वक भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस
इस नियम से अगर तुम एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथन अनुसार राजा द्वारा अपने बांधों तथा अपने दासों सहित व्रत करने का आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन में बैठाकर वो भी स्वर्गलोक को गया। तो हे युधिष्ठिर, ये इंदिरा एकादशी का व्रत महात्म मैंने तुमसे कहा, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के सुख को भोग कर वैकुंठ को प्राप्ति करते हैं। तो आइए इस अति पावन इंदिरा एकादशी व्रत को रखें, जिससे न केवल हमारे अपितु पितरों के समस्त दोष और पापों का नाश हो जाए और इस दिन अधिक से अधिक भगवान की लीलाओं का श्रवण करें और उनके पवित्र नामों का जप करें और कीर्तन करें और इससे भगवान के अत्यंत दुर्लभ एवं मधुर प्रेम भक्ति को प्राप्त करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।